आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर यहाँ पर मालपुरा में जो दंगे हुआ, जिस तरह से मारपीट करी एक समाज ने, उसकी तहकीकात के लिए मालपुरा के पुरानी तहसील के गुजरों के मोहल्ले में यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद जिन लोगों को चोट लगी, महिलाओं से जो बातचीत करी, एक बिल्कुल भयावह दृश्य देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल एक तरफा हमला हुआ बिना उकसाए, बल्कि कारण दिया गया। यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाई गई, हॉर्न बजाया गया, लड़कियों को छेड़ा गया, लड़की की चोटी खींची गई, उसके हाथ पकड़े गए, ये बार बार हुआ। और ये करने के बाद में जब उसके पिता या उसके माता पिता ने गुजारिश करी कि ऐसा नहीं करिए, समझाने की कोशिश करी, तो वो व्यक्ति यहाँ से वापस गया और वापस जाकर भीड़ आई और भीड़ तैयार थी, उनके पास तलवार डंडे ये सब तैयार थे, उनके पास पथराव हुआ भारी। उस पथराव का असर अभी भी लोगों के घरों के छतों पे दिख रहा है, छत टूटी हुई है, जमीन के ऊपर ईंट की वजह से पूरा लाल हुआ हुआ है, लहूलुहान मिट्टी में मेरे को खून देखने को मिला। यहाँ तक कि बहू बेटियां लड़कियां बूढ़ी औरतें किसी को नहीं छोड़ा गया, गाय भैंसों को तक यहाँ नहीं छोड़ा गया। और उसमें देखने समझने की बात यह है कि जो पुरुष थे यहाँ पर वो सब बाहर काम पे गए हुए थे, यहाँ पे केवल महिलाएं थी। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें करीबन 100 से 150 एक समाज के लोग तलवार और लाठियां लेकर पत्थर बरसाने यहाँ पर आए हुए थे, लोगों के घरों के अंदर तक घुसे, मारा पीटा उनको। जब दरवाजे बंद कर दिए गए तो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी गई तलवारों से। ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस ने काम करा, यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने अभी इनको FIR दर्ज करी है। मैं चाहूंगा कि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जो मारपीट हुई है, उसकी धारा भी हो, पुलिस के ऊपर जो हमला करा गया है, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, उसके वो धारा भी लगाई जाए। एक व्यक्ति है नाथू सिंह जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो ऐसा हुआ है सर के ऊपर जैसे किसी ने फरसा मारा हो। वो जयपुर अस्पताल में थे, अब वो वापस आए हैं, उनकी हालत गंभीर है, उनका हाथ भी टूटा हुआ है, आपने अपने वीडियो में देखा होगा, मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। तो ये सारी धाराएं लगनी चाहिए। अब बचाव के लिए यहाँ पर महिलाओं ने जो बचाव अपनी करने की कोशिश करी, उनके ऊपर एक FIR कराई है दूसरी समाज ने, बड़े ताज्जुब की बात है। ये पुलिस को देखना पड़ेगा कि जो अपनी रक्षा के लिए अपने घरों के अंदर रक्षा नहीं कर पाए तो फिर ये कैसा कानून है, और अगर ऐसा कानून है तो अंधा कानून है। तो पुलिस अपनी अभी तहकीकात करेगी, अभी मात्र FIR हुई है, पुलिस तहकीकात करेगी। मैंने सुना है यहाँ पे लोगों से कि ऐसे लोगों के बच्चों के नाम दर्ज हुए हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं थे, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं, उनके नाम दर्ज हो गए हैं, दूसरे तरफ वाली जो पार्टी है उन्होंने नाम दर्ज कराए। ये तहकीकात के अंदर पुलिस इस बात को ध्यान रखे। अब ये जो पूरा माहौल जो है ये तुष्टिकरण के कारण है। ये यहाँ मैंने ये भी सुना है, एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग जांगिड़ जी मुझे मिले, बिल्कुल बूढ़े हैं, उनके पांव पे चोटें आई हैं, उनको मारा गया। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो खड़ा नहीं हो सकता, एक डंडी लेकर खड़ा हुआ है, उसको पीटा गया। ये कहां की बहादुरी दिखा रहा है एक समाज। और वो व्यक्ति बोल रहा है, उसके बच्चे बोलते हैं यहां से आप आ जाओ, शहर में आ जाओ, वो छोड़ने को तैयार नहीं है अपना घर जहां वो पैदा हुआ है। मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर गर्व करता हूं कि जो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये पूरा माहौल ये तुष्टिकरण का माहौल है, और ये उसी पार्टी से कराया जा रहा है जिसने भारत का विभाजन करा, एक पाकिस्तान को जन्म दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान बनाया और आज भारत के अंदर कई सारे मिनी पाकिस्तान बनाए हुए हैं इन्होंने। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। ये तुष्टिकरण जिसके अंदर एक समाज के वर्ग को खुली छूट मिल जाती है, ये बिल्कुल गलत है। और ये प्रशासन की कमजोरी है, ये राजस्थान की सरकार की कमजोरी है, उनकी तुष्टिकरण है जिस कारण से ये हो रहा है। यहां पर ऐसा शासन होना चाहिए जहां सब बराबर हो। अभी आपके साथ हम गए मस्जिद तक, गए मस्जिद के आगे एक भी हिंदू समाज के व्यक्ति ने कदम नहीं रखा, ना ही मस्जिद को चोट पहुंचाई गई। तो ऐसे जब हिंदू समाज ऐसा कर रहा है तो दूसरा समाज दुस्साहस कैसे कर सकता है? और यह दुस्साहस तभी कर सकता है जब प्रशासन या तो साथ में हो या कमजोर हो, और ये हम नहीं होने देंगे। यहां पर तुरंत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए।
ये असामाजिक तत्व ये धर्म के नाम पे नहीं कर रहे, मैं आपको बता देता हूं, ये भारत को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र की सुरक्षा को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ये हर मालपुरा के अंदर, भारत के हर मालपुरा के अंदर इस तरह की घटना करना चाहते हैं ताकि भारत अंदर से असुरक्षित हो जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, पुलिस उन चेहरों को पहचाने और उन चेहरों को पहचान कर उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए, तुरंत कार्रवाई हो, यहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट यहाँ पे लगे, और परिवार पलायन के लिए मजबूर, यहाँ पर लोग जो पलायन कर रहे हैं उनके वो मजबूर करा जा रहा है, उसके लिए माहौल सही करना बहुत जरूरी है। और माहौल तभी सही हो सकता है जब सुरक्षा का माहौल हो। हम चाहते हैं कि देश के अंदर हर बच्चा पढ़े, हर समाज का बच्चा पढ़े, हर धर्म का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने देश को मजबूत करे। ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर, इस तरह का दुस्साहस नहीं चलेगा। जो जंग करना चाहते हैं उन्हें जंग यहाँ पर कानून से, कानून उनका जंग करेगा, कानून उनकी खिलाफत करेगा। और अगर अभी कानून कमजोर है तो जल्दी कानून को भी मजबूत बनाया जाएगा। यहां पर जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कानून पूरी तरह से प्रभावी होगा। ये मैं आपको भी और मेरे पीछे बैठी जितनी महिलाएं हैं, ये सपना, ये बेटी यहां पर जिसकी छोटी खींची गई, एक और यहां पर है मंजू, ब्लाउज तक उसका खींचा गया, उसका मंगलसूत्र तोड़ा गया, रोशनी नाम है आपका। इस तरह के अनेकों उदाहरण है यहाँ पर। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, अलगाववादी राजस्थान में फैलते जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से इनको मार पड़ रही है, अलगाववादी सारे भाग के राजस्थान आ रहे हैं, यहाँ पर इनको संरक्षण मिल रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान की रोटी खाकर पाकिस्तान को जिंदाबाद कर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर नहीं, इनको चुनना पड़ेगा, ये राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। मैं पुलिस प्रशासन और राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं उन्हें जनता की तरफ से सचेत कर रहा हूं कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब और नहीं सहेंगे। ऐसे अनेक मालपुरा बन रखे हैं राजस्थान के अंदर, ऐसे लोग जो गर्दन काटने का वीडियो बना सकते हैं, जो इन धर्म स्थलों से लड़ने के लिए बात कर सकते हैं, खुलेआम मौलाना धमकी देते हैं, ऐसा राजस्थान में नहीं चल सकता। पाप का घड़ा बढ़ गया है, अब इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। कानून प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, यहां पर जनता की तुरंत रक्षा करे, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। मैंने सुना है कोई अध्यापक का नाम आया है दूसरे समाज का, जो एक घंटे पहले अपना घर छोड़कर चला गया था, यानी पहले से तय हुआ था कि इस तरह का कार्यक्रम होगा यहां पर, उसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं, जनता की तरफ से गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन को सचेत कर रहे हैं हम, ये नहीं चलने देंगे। और प्रशासन का कोई भी अधिकारी जिसका हाथ इसमें साथ में होगा उसको भी पूरी तरह से सजा मिलेगी। नए भारत के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर है वहां पर काम हो रहा है, उसी कारण से तो लोग अपने गर्दनों में तख्ती, जो गुंडे बदमाश हैं अपनी गर्दनों के अंदर तख्ती डालकर जेल जाने को तैयार हैं। जो गलत आदमी है, जो गलत काम कर रहा है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। क्या बात फैला रहा है, राष्ट्र सुरक्षा को अगर चुनौती दे रहा है उसे नहीं बख्शा जाएगा। आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं को हम यहां से जाकर रिपोर्ट देंगे पूरी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप तय करेगी कि यहां या और भी जो और जगह है जहां से जहां की रिपोर्टें आ रही हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन हम इस घटना की पूरी ट्रैकिंग करेंगे। यहां पर जो अभी FIR हुई है, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरी तरह से इस घटना को फॉलो करेंगे कि क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस। यहां पर जो चेक पोस्ट लग रही है क्या वो लगातार लगी हुई है, क्या चेक पोस्ट यहाँ पर परमानेंट हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लग रहे हैं, या हर तरह से इसको फॉलो करा जाएगा। लीडरशिप से फर्क पड़ता है, जो गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनके आदेशों से फर्क पड़ता है और वो काम नहीं करते,
उसका भी वो भी दिखाई देता है, जैसे आज राजस्थान में दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान के अंदर ये नहीं चल सकता, और जो ये कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घरों के अंदर लाठी डंडे तलवारें रखी हुई हैं, जिन्होंने मस्जिदों के अंदर लाठी तलवारें पत्थर बंदूकें रखी हुई हैं, वो सचेत हो जाएं। इन धर्म स्थल को इस तरह से गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और हम नहीं करने देंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये कुछ बदमाश हैं जो बाकी पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो हर समाज का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा समझदार है, उसको ऐसे लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए। अभी से शुरू हो जाइए, ये नहीं चलने देंगे, और चिन्हित करके पकड़ेंगे, और उनका घर, उनकी पूरी जायदाद, उनके ऊपर पूरा कानून का फोर्स लगेगा।